नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी है। डीएम उमेश मिश्रा ने डॉक्टरों की टीम के साथ 103 बेड का इंतजाम अस्पताल में किया है। साथ ही विदेश से आने वाले व्यक्तियों का और शहर के लोगों का अस्पताल में अलग से व्यवस्था की गई है। बिजनौर जिला अस्पताल में इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन लगे 30 बेड अलग बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांटों का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। इस बार कोरोना की तीसरी लहर इतनी गंभीर नहीं बताई जा रही, लेकिन फिर भी जिले के प्रशासन ने इस बार अस्पताल में अच्छी व्यवस्था की है। आपको बता दें कि बिजनौर जनपद में 40 लोगों ने कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज भी अस्पताल में किया जा रहा है। देखिए बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, जैसे आज बिजनौर में 19 कोरोना मरीज मिले हैं, तो बिजनौर में आपके अस्पताल में क्या व्यवस्था है? हमारे अस्पताल में इस बार फुल व्यवस्था है। ऑक्सीजन का 2-2 प्लांट लगे हुए हैं जी। अब हमारे मेल हॉस्पिटल में 103 बेड हैं कोविड वालों के लिए जी। उसमें विदेशियों के लिए अलग है, अपने देश वालों के लिए भी अलग है। दोनों की अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। जब हमारा पहले से हॉस्पिटल चल रहा था, उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। उनका रास्ता अलग अलग कर दिया है, बिल्कुल कोई मिक्स नहीं होने का जी। और उसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास 30 जी, सब 103 बेड के अलावा जी, वो इमरजेंसी में यूज करेंगे। फुल व्यवस्था है इस बार। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अब ये बीमारी का पता वो इसी तरीके से है जैसे पिछली बार था, या कुछ अब नया कुछ आया है कि इसका पता कैसे चलना चाहिए कि क्या लक्षण है इसके? इस बार जो वायरस आया है, इसमें ज़्यादा हैवी लक्षण नहीं है जी। नज़ला जुकाम की तरह आता है, बुखार हल्का फुल्का आता है जी। लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही, मरीज हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहा ज़्यादा, कम से कम हॉस्पिटलाइज हो रहा है, डेथ भी कम हो रही है। थैंक यू डॉक्टर। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।